हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मंजू थार, लेक्चरर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। बच्चों, आज हम चूड़ीदार पजामा की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। चूड़ीदार पजामा महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही द्वारा पहना जाने वाला एक लोअर गारमेंट है। मुख्यतः महिलाओं द्वारा इसे कुर्ते के साथ में पहना जाता है। चूड़ीदार पजामा की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें जिन जिन मेजरमेंट्स की आवश्यकता होती है वे हैं लेंथ, सीट या हिप, नी राउंड, बॉटम राउंड। यहाँ पर हमारी जो लेंथ का मेज़रमेंट है वो कमर से लेकर के एंकल वाले पार्ट तक की लंबाई ली जाती है। सीट या हिप का मेज़रमेंट सर्कमफ्रेंस में लिया जाता है। नी मेज़रमेंट घुटने पर सर्कमफ्रेंस में लिया जाता है और बॉटम राउंड एंकल वाले पार्ट पर सर्कमफ्रेंस में लिया जाने वाला मेज़रमेंट है। यहाँ पर हमारी लेंथ है 102 सेंटीमीटर, सीट है 92 सेंटीमीटर, नी राउंड 35 सेंटीमीटर और बॉटम राउंड है 30 सेंटीमीटर। चूड़ीदार पजामा का नाम चूड़ीदार पजामा इसलिए रखा गया है क्योंकि इस गारमेंट के बॉटम वाले पार्ट में कुछ गैदर्स पाए जाते हैं। ये गैदर्स दूर से देखने पर चूड़ियों के समान गोलाकार प्रतीत होते हैं, इसलिए इस पजामा को चूड़ीदार पजामा कहा जाता है। चूड़ीदार पजामा की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। पॉइंट नंबर 0 से लेकर के पॉइंट नंबर 2 तक हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। यह लाइन हमारे गारमेंट की लंबाई के बराबर होगी, यानी कि 102 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 1:6 स्केल का यूज़ किया है ड्राफ्टिंग के लिए। 0 से लेकर के 2 की लंबाई है 102 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट नंबर 0 से पॉइंट नंबर 1 मार्क करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है वो 1/4 सीट प्लस 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मार्क किया जाएगा। 0 से 1 की डिस्टेंस होगी 1/4 सीट प्लस 7.5 सेंटीमीटर, तो ये 30.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इस पॉइंट को मार्क किया जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 1, 2, 3 की मार्किंग करेंगे। पॉइंट नंबर 1 से 2 के बीच का जो मिडल पॉइंट है उसे निकालेंगे और उसके अंदर 5 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे, तो हमारा जो मेज़रमेंट आएगा उसको हम पॉइंट नंबर 3 पर मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमें पॉइंट नंबर 3 मिलेगा जो हमारी नी लाइन को इंडिकेट करेगा। पॉइंट नंबर 1 हमारी हिप लाइन को इंडिकेट करता है। पॉइंट नंबर 0 वेस्ट लाइन को इंडिकेट करता है और जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 को पॉइंट नंबर 4 तक बढ़ाएंगे। हमने पहले बात की है कि चूड़ीदार पजामा की लंबाई जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है और जो एक्स्ट्रा लंबाई होती है वो बॉटम पार्ट में चूड़ियों के रूप में या सर्कल्स के रूप में दिखाई देती है। इस एक्स्ट्रा लंबाई के लिए इसको लंबाई को बढ़ाया जाता है। 2 से 4 की डिस्टेंस हम अपनी डिज़ाइन के अनुसार रख सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा चूड़ियाँ चाहिए तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस रख सकते हैं, अन्यथा कम रख सकते हैं। तो 2 से 4 की जो लंबाई है, 7 to 12 सेंटीमीटर हम कितनी भी रख सकते हैं, ये हमारी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। 4 से 4 डैश जो है ये बॉटम फोल्डिंग के लिए है। पॉइंट नंबर 4 जो है ये हमारी बॉटम लाइन को इंडिकेट करता है। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन के रूप में पॉइंट नंबर 5 को मार्क करेंगे। पॉइंट नंबर 1 से 5 की जो डिस्टेंस है वो 1/4 सीट प्लस 5 सेंटीमीटर के बराबर है। पॉइंट नंबर 5 को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे या स्क्वायर अप करेंगे तो हमें एक पॉइंट नंबर 6 प्राप्त होगा। पॉइंट नंबर 6 को पॉइंट नंबर 0 से सीधी लाइन के द्वारा मिला दिया जाएगा। पॉइंट नंबर जो हमारा 5 था वहाँ से पॉइंट नंबर 5 से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम पॉइंट नंबर 7 को मार्क करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है इसको पॉइंट नंबर 6 से एक कर्व शेप में मिला दिया जाएगा। इस तरह से ये हमारी क्रॉच लाइन जो है वो रेडी हो गई है। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, यानी हमारा जो नी पॉइंट है, वहाँ से हम हाफ नी राउंड की बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट नंबर 8 मार्क करेंगे। 3 to 8 की डिस्टेंस है हाफ नी राउंड। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 9 की जो डिस्टेंस है वो है हाफ बॉटम राउंड। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे जो पॉइंट्स हमें मिले हैं
उनको हम आपस में कर्व शेप में मिला देंगे, यानी पॉइंट नंबर 7 को 8 से, 8 को 9 से और 9 डैश से मिला देंगे। तो इस तरह से हमें पजामा की जो लोअर पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो पूरी हो जाएगी। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 0 है, पॉइंट नंबर 0 से ऊपर की तरफ हम लाइन को बढ़ाएंगे, यानी पॉइंट नंबर 11 तक। ये डिस्टेंस हमारी 4 सेंटीमीटर है। ये एक्स्ट्रा 4 सेंटीमीटर जो है हमने केसिंग के लिए लिया है। केसिंग जो होती है वो कमर पर पजामे को बांधने के लिए एक फोल्डिंग रखी जाती है, जिसमें से धागा पिरो करके पजामे को बांधा जाता है। तो 0 से 11 हमारी केसिंग के लिए है और इसकी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। हमारा जो चूड़ीदार पजामा होता है ये 22 ग्रेन में कटा हुआ होता है। 22 ग्रेन में होने के कारण इसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेचबिलिटी होती है और साथ ही इसकी फिटिंग भी बहुत प्रॉपर आती है। स्ट्रेचबिलिटी होने के कारण चूड़ीदार पजामा पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो इसकी ग्रेन जो होती है वो होती है 22 ग्रेन। ये वाला पार्ट जो होता है वो ऑनफोल्ड में रहता है। कटिंग लाइन की बात करें तो हम 11 to 12, 12 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 10, 10 to 9 डैश एंड देन 4 डैश, ये हमारी कटिंग लाइन रहेगी। चूड़ीदार पजामा की ड्राफ्टिंग करने के बाद जब इसकी कटिंग की जाती है तो हमेशा पैटर्न को फैब्रिक पर 22 ग्रेन के अकॉर्डिंग ही बिछाया जाता है। तो बच्चों आइए हम इसका एस्टिमेशन भी देखते हैं। बच्चों चूड़ीदार पजामा का फैब्रिक एस्टिमेशन करने के लिए सबसे पहले हमने जो ड्राफ्टिंग की है उसे हम एक पेपर पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न बन गया है जो कि हमने स्मॉल स्केल पर बनाया है। स्मॉल स्केल पर पैटर्न बना करके इसका उपयोग फैब्रिक के एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। फैब्रिक का एस्टिमेशन करने से हमें यह अनुमान हो जाता है कि इस गारमेंट को बनाने के लिए हमें कितने फैब्रिक की आवश्यकता होगी। ये जो हमने स्मॉल स्केल पर पैटर्न बनाया है ये 1:8 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ में लेते हुए बनाया है। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फैब्रिक है उसकी विड्थ जो है वो हमने यहाँ पर 105 सेंटीमीटर ली है, यानी यह ऑलमोस्ट 40 इंच के पैने वाला फैब्रिक है। फैब्रिक को सर्वप्रथम सीधा बिछा दिया जाता है। हमारा जो फैब्रिक है ये इस प्रकार लाइंस के थ्रू इंडिकेट हो रहा है। ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम ग्रेन के अकॉर्डिंग 22 ग्रेन में बिछाएंगे। ये देखिए, अगर हम इसको स्ट्रेट ग्रेन में रखते तो इस तरह से रखते, लेकिन क्योंकि ये हमारा गारमेंट 22 ग्रेन में ही बनता है तो इसको हम 22 ग्रेन के अकॉर्डिंग फैब्रिक पर इस तरह से बिछाएंगे। देखिए, यानी ये वेस्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पर रहेगा और बॉटम इस तरफ आएगा, और इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी, क्योंकि इसके दो पीस कट होने हैं, कट टू है, तो उसको हम, ये देखिए, एक पीस को ऐसे बिछा दिया और दूसरे को ऐसे, ठीक है। और जब हम इस फैब्रिक की लंबाई को नापते हैं तो ये हमें 207 सेंटीमीटर यानी ऑलमोस्ट 2 मीटर के करीब हमें फैब्रिक की लंबाई प्राप्त होती है। तो यानी इस गारमेंट को बनाने में हमें लगभग 2 से 2.25 मीटर कपड़े का उपयोग करना होगा। बच्चों कई बार हमारे पास कपड़ा कम होता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम हमारा जो पॉइंट नंबर एक्स है जो 1 से 7.5, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था, हिप लाइन थी, इससे 7.5 सेंटीमीटर ऊपर हमारा पॉइंट नंबर एक्स है और इसी लाइन को इस तरफ बढ़ाने पर पॉइंट नंबर एक्स डैश प्राप्त होता है। तो हमारा जो पैटर्न है इसे हम एक्स टू एक्स डैश पर कट कर लेंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को तो हम 22 ग्रेन के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और जो ऊपर का पार्ट है उसे स्ट्रेट ग्रेन में कट कर लेंगे। दोनों तरफ सीम अलाउंस रखा जाएगा और इन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा करने पर भी हमारा जो बनने वाला गारमेंट होता है उसकी कंफर्ट और स्ट्रेचबिलिटी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। तो अगर हम इस प्रकार से चूड़ीदार पजामा की कटिंग करते हैं तो हमें लगभग 1.5 मीटर कपड़े के अंदर चूड़ीदार पजामा का निर्माण किया जा सकता है। तो बच्चों आज हमने चूड़ीदार पजामा की ड्राफ्टिंग प्लस इसका एस्टिमेशन सीखा है। बच्चों आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।